बलूचिस्तान में खाई में गिरी बस, 39 की मौत। रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को बचाया, 48 यात्री सवार थे। मन की बात का 97वां एपिसोड खत्म। पीएम बोले, लोकतंत्र हमारी रगों में मौजूद, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में गिरते रुपए के बीच तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका, पेट्रोल पंपों पर टूटी भीड़। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 45 रुपए से 80 रुपए के बीच बढ़ने की आशंका। राहुल गांधी ने लाल चौक में फहराया तिरंगा, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में पहुंचे राहुल, बहन प्रियंका भी रही मौजूद। पंजाब में विरोध के बीच राम रहीम का सत्संग, बठिंडा के तालाब तरपुरा डेरे में 400 पुलिसकर्मी तैनात, यूपी से ऑनलाइन जुड़ेगा डेरा मुखी। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन शुरू की, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करने वालों का मजाक उड़ाया, ट्रांसजेंडरों पर भद्दे कमेंट्स किए। इसराइलियों के लिए हथियार रखना होगा आसान, नेतन्याहू ने पूजा स्थल पर फिलिस्तानी हमले के बाद लिया बड़ा फैसला। यूक्रेन को टैंक भेजेगा यूएस, नॉर्थ कोरिया ने विरोध किया, कहा हदें पार कर रहा अमेरिका, रूस से वेपनल डीले के दावे को बेबुनियाद बताया। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में जनवरी में 10,000 मौतें, चीन में इस हफ्ते मृतकों की संख्या 50% कम हुई। भारत की परमाणु नीति का फोकस पाक नहीं, चीन अमेरिका रिपोर्ट में दावा, भारतीय मिसाइलों की रेंज में चीनी शहर जल्द होंगे एडवांस हथियार। ईरान में 5.9 तीव्रता का आया भूकंप, भयानक भूकंप में 7 की मौत, 440 घायल, लोगों ने खुले आसमान में गुजारी रात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरने से 41 लोगों की मौत, यू टर्न करते वक्त पिलर से टकराकर खाई में गिरी बस। पीएम मोदी ने की साल की पहली मन की बात, बोले लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है, पद्म पुरस्कार विजेताओं पर भी की चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले खत्म, राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में फहराया तिरंगा, कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम रद्द। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला, नवदास पुलिस अफसर ने की फायरिंग, सीने में 4 से 5 गोलियां लगी, एयरलिफ्ट किया गया। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समाप्त, सेना और पुलिस बैंड ने 29 खूनों से सबका मन मोहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर, हमारी सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर धारा 370 होगी बहाल, हमारी वर्किंग कमेटी में इसकी हुई चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले खत्म, राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में फहराया तिरंगा, कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम रद्द। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की इलाज के दौरान मौत, मंत्री नवकिशोर दास की गोली लगने से मौत, एएसआई ने स्वास्थ्य मंत्री को मारी थी गोली। वर्ल्ड चैंपियन बनी अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम, इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से दी मात।